हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ काम है, बहुत सारे लोगों के यहाँ काम नहीं है, बट गाँव में स्पेशली सभी लोगों के यहाँ काम रहता ही है, क्योंकि गाँव एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल के 12 महीना काम 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 और जीना सबका हराम रहता है। तो अभी पढ़ने वाली है धान की जो बीज होती है वो खेत में पड़ने वाला है, तो वो तो सब पेरेंट्स लोगों का काम है, वो हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उड़द तोड़ा जा रहा था, तो आज उड़द का लास्ट डे है। आज से हम लोग भी एकदम छुट्टी हो जाएंगे उड़द से। और फिलहाल मम्मी नहीं छुट्टी होंगी, क्योंकि अभी उड़द को उसाना है, फिर उसको बनाना है, फिर उसको उसका दाल बनाना है, तो मम्मी के लिए तो अभी बहुत सारा काम है, लेकिन हमारे लिए हम लोगों के लिए हम लोग छुट्टी हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज़ अभी हम छत पर का सारा काम करके नीचे आए हैं उड़द तोड़वाने, और थोड़ा सा बचा हुआ है। मम्मी काफ़ी देर से तोड़ रही थी, लगभग आधे घंटे से, और आज उड़द का लास्ट डे है, आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया है। और अब पता है क्या हुआ कि मम्मी पेड़ पेड़ काट के ला रही थी, तो यहाँ हम लोग इसको छाया में बैठ के तोड़ लेते थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसको तोड़ते तोड़ते हमें दिखे आइसक्रीम वाले अंकल जी, तो हम उनके पास मुंह उठा के पहुंच गए 10 रुपये लेकर। और मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम, और किसको किसको मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है वो कमेंट करके बताइएगा। थे उड़द, और उड़द तोड़ते तोड़ते हमें दिखे आइसक्रीम वाले अंकल जी, तो हम मम्मी से 10 रुपये मांगे और अंकल जी पास दौड़ते हुए गए, अंकल जी 5 रुपये वाली आइसक्रीम दे दीजिए। तो अंकल जी ने 3 फ्लेवर दिखाए, एक स्ट्रॉबेरी का था, एक मैंगो फ्लेवर था, और एक कटोरी वाली बोले थे वो आती है, एक मलाई वाली आती है। मुझे मलाई वाली अच्छी नहीं लगती, कटोरी वाली अच्छी लगती है, लेकिन मैं पहली बार खा रही हूँ गर्मी में, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है मैंगो का। लेकिन मुझे बर्फ़ और आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती है, मुझे जो वो एक उसमें आती है, अब मुझे ये नहीं पता, इसमें खूब सारी मलाई रहती है, वो चुरैया के जैसे रहती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये सब आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा मन कर गया तो फिर मैंने ख़रीद लिया। तो अभी हम दोनों बहनें मिलके खा रहे हैं आइसक्रीम, और अभी हम लोगों ने बाहर झाड़ू भी नहीं लगाया है, पहले आइसक्रीम खा लें फिर साफ़ करें घर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसको तो मैंने दिखाया ही नहीं है। तो भाई ये देखिए, ये है, अब ये खुलेगा तभी आप सभी लोगों को पता चलेगा। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आप सभी लोगों को ये क्या है। फिलहाल थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या है, तो देखते हैं प्रोडक्ट अच्छा आया है कि नहीं अच्छा आया है। आई होप, भगवान जी से प्रार्थना करो कि अच्छा आया हो, और क्योंकि मैंने बहुत शौक से मंगवाया है इसको। खुल जा भाई, खुल क्यों नहीं रहा है। और हमारे यहाँ ना आज रामायण है, रामायण हो गया कल था, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो है, क्राउड हो रही है। और इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस से क्या करना है, ये देखिए, वाह, ये क्या है आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये है ट्राईपोड, और मैंने इसको मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और मुझे इसे यूज करना भी नहीं आता, अगर किसी ने यूज किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्या हुआ यार, खोलते ही निकल गया क्या। अब मुझे वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो 4 लोगों को देखना पड़ता था इधर उधर, ये खोलते ही निकल गया। इसमें शायद ब्लूटूथ लगाने वाला है, और इधर लिखा हुआ है कि कौन सा कैसे यूज करना है, इधर भी साइड में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो इसको देख देख हम सेट करेंगे फ़ोन को। और इधर है फ़ोन का, फ़ोन को अच्छे से सेट करने वाला, इधर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, और इधर से इसको खोल सकते हैं। और ये जो साइड में दिख रहा है ना, वो अभी तक इधर साइड में था, एकदम नीचे था, मैंने इसको खोल लिया है, क्योंकि हम अकेले वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो कोई पकड़ने वाला नहीं है फ़ोन। और इसको इतना खोलेंगे तो ये शायद 16 या 17 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा। ये तो अभी खा उठा, मैंने खा लिया क्या, इसको लगा देते हैं यार, क्योंकि ब्लूटूथ मेरे किसी काम का नहीं है।
मुझे केवल इसमें मोबाइल रखना है बस अपना, और इसको हम लगा देते हैं। और देखने में तो बहुत अमेजिंग है, अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 290 का मिला हुआ है। और अगर काफ़ी दिन चलेगा तब तो ठीक है यार, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा लिए हुए। तो आप सब लोग बताइएगा कमेंट करके कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और इधर देखिए, ये इसको अच्छे से खड़े भी कर सकते हैं वीडियो शूट करने के लिए। ये देखिए ऐसे खड़े कर सकते हैं इसको, और इसमें फ़ोन लगा देंगे, अच्छे से शूट होगा वीडियो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको मंगवा लिया, क्योंकि हम इसको काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि, पहले तो मुझे इसका नाम ही नहीं पता था कि इसको बोलते क्या हैं, फिर बाद में पता चला ट्राईपोड बोलते हैं इसको, सो मैंने मंगा लिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा हमारा ट्राईपोड, अगर अच्छा हो तब भी कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग यूज किए हों तो, अगर ना किए हों तो कोई बात नहीं है, मैं यूज करके आप सभी लोगों को बताऊँगी। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। इसको बनाए शायद बन ही जाए।